Hello dear students, you are welcome in today's session. We are doing different approaches, techniques and methods to learn and teach English. In this aspect we have already done behavioristic approach, structural approach and grammar translation method. I hope you have all well learned these approaches and methods. Today we will discuss audio-lingual method. First we have done grammar translation method. Today we will study audio-lingual method. This is another method which is used to teach and learn English. Are you ready? Then let's start. Audio-lingual method, which is also known as AAMI method. Why is it known as AAMI method? Because first of all it was used to teach AAMI to learn foreign languages when they needed in the war time. प्यारे सिख्यार्थी अध्यापको, इस मैथड नूं AAMI मैथड भी कहा जाता है कि सब तो पहला इसकी वरतों आर्मी नूं विदेशी भाषा सिखाने लई जां इंग्लिश टीच करन लई की गई सी, क्योंकि दुश्मना अते दोस्तां दोनों की भाषा नूं समझन की जरूरत सी, इसलिए तेजी नाल भाषा सिखाने लई इस मैथड की वरतों की गई सी। आपां नूं इसके बैकग्राउंड दे विच जाण दी जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्ना ही काफ़ी है कि इसनों AAMI मैथड क्यों कहा जाता है, AAMI मैथड कहा जाता है, तो किस प्रिंसीपल्स से बेस्ड है ये, तो की है ऑडियो लिंगुअल मैथड। वैसे तुसी नाम नूं जिवें देख रहे हो, ऑडियो मीन्स सुनना, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, सुन के कुछ करना तो क्लीयर होंगे, पर फिर भी इसके पॉइंट्स नूं आपां डिस्कस करांगे, फिर ही सानूं पता चल सकेगा कि की है ये ऑडियो लिंगुअल मैथड। तो मैं थोड़े लिए टिप्स के रूप में पॉइंट्स दिते ने, तो उन्होंने तुम इलैबोरेट कर सकते हो, इन्हों तो काफ़ी कुछ क्लीयर हो जाता है। ये बैकग्राउंड के पॉइंट्स है, अगर जिन्ना क तुम रख सकते हो याद, ये नॉलेज लिए है। यूज टू टीच फॉरन लैंगुएज फॉलोज द प्रिंसीपल ऑफ बिहेवियरिज्म, ये लाइन इंपोर्टेंट है कि ऑडियो लिंगुअल मैथड किस लिए वरत्या जाता है, फॉरन लैंगुएज टीच करने लिए। तो साढ़े लिए फॉरन लैंगुएज कही है इंग्लिश। किड़े प्रिंसीपल नो करते बिहेवियरिज्म, प्रिंसीपल ऑफ बिहेवियरिज्म यूज टू टीच फॉरन लैंगुएज, ये दो पॉइंट्स इंपोर्टेंट ने। इस टर्म को सब तो पहला नेल्सन ब्रुक्स ने कॉइन किया, मैं थोड़े लिए हाईलाइट भी किया हुआ इसनों नेल्सन ब्रुक्स, तो इस मैथड को डिवेलप किया चार्ल्स फ्राइज ने, जिन्हों का विश्वास से लैंगुएज टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी अप्रोच्ड इन साइंटिफिक वे। वो की कहते सी कि लैंगुएज जी है वैल प्लैंड मैथड के नाल सीखी जानी चाहिए है, दे शुड बी टेक्नीक्स एंड मैथड्स टू यूज फॉर टीचिंग लर्निंग इंग्लिश लैंगुएज, सो दैट द स्टूडेंट्स मे अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर्स सेंटेंसेस एंड अदर ग्रामेटिकल यूनिट्स, एंड ही ऑल्सो थिंक्स दैट स्ट्रक्चर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। एज यू आर सीइंग इन द थर्ड पॉइंट दैट स्ट्रक्चर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्ट्रक्चर आप पहला स्ट्रक्चर्स बारे किया कि जोड़े पूरे वाकता ना हो, पैराग्राफ्स ना हो, छोटे रूप के अद्धे अधूरे पाक हो, पर ग्रामेटिकली सही हो, उन्होंने स्ट्रक्चर्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच के आप इस बारे काफ़ी हद तक जान चुके हैं, तो स्ट्रक्चर उन्होंने एक बेसिक यूनिट मंगया से। टॉट थ्रू कंडीशनिंग, उपरों जो असं बिहेवियरिज्म पढ़ लें तो ऑटोमैटिकली कंडीशनिंग का कंसैप्ट आ जाता है, क्योंकि कंडीशनिंग के नाल बिहेवियरिज्म दे विच किसी चीज़ को सिखाया जाता है, ताकि स्टिमुलस दे के जल्दी दे नाल सही रिस्पोंस प्राप्त किया जा सके, और जो बार बार सही रिस्पोंस होगा तो ऑटोमैटिकली हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के आप इस बारे चंगी तरह किया कि है कंडीशनिंग, स्टिमुलस, रिस्पोंस, रीइनफोर्समेंट, पॉजिटिव एंड नैगेटिव, तो वही इतने आऊगा। तो आफ्टर दिज ऑल एक्टिविटीज देर इज़ हैबिट फॉर्मेशन, एंड हैबिट फॉर्मेशन इज कंपलसरी टू लर्न एनीथिंग, क्योंकि हैबिट अगर बन जाएगी तो असं अपने आप ऑटोमैटिकली कोई काम कर पावे। अ फॉरन लैंग्वेज नीड्स ओरल अबिलिटीज टू कम्यूनिकेट,
फॉरन लैंग्वेज विदेशी भाषा जिहड़ी है ओहदे विच सानू ओरल ओरल इहदे बारे मैं पहला भी समझाया तुहानू सुनना बोलना श्रवण करना और बोलना दोनों एबिलिटीज़ नू कम्यूनीकेट लई जरूरी ने दोनों एबिलिटीज़ लिसनिंग एंड स्पीकिंग अमेरिकन लिंग्विस्ट लियोनार्ड ब्लूमफील्ड गिवन एम्फोसिस ऑन ओरल लैंग्वेज सारे ज़्यादातर जो लिंग्विस्ट ने ओहो ओरल भाषा पर जोर देंदे ने नैचुरली बेटा जे कम्यूनीकेट आप करना चाहते हैं तो किवें करांगे बोल के ही करांगे कम्यूनीकेशन का सब तो वधिया वे बोल के लिख के तो आप चिट्ठी पत्र लिख सकते हैं पर आम तौर पर असं जो गलबात करनी है तो बोल के ही करांगे इंट्रोडक्शन एक तरह की तो जिदे विचों ज़्यादा इंपोर्टेंट की है के प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म कंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पोंस थ्योरी ते लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स नाल रिलेटेड है। हाँ जी इस विषय अगे देखते हैं फोकस ऑन स्पोकन लैंग्वेज एंड ओरल कम्यूनीकेशन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड लैस वोकैबुलरी एंड लैस ग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशंस वोकैब है ग्रामर स्ट्रक्चर्स है पर बहुत घट ज़्यादा नहीं है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड के कंपैरेटिव घट ने टीचर वुड प्रेजेंट द करेक्ट मॉडल ऑफ अ सेंटेंस एंड स्टूडेंट्स विड हैव टू पुट इट टीचर की करेगा स्पीक करेगा रोल मॉडल की तरह किसी भी सेंटेंस नो बोलेगा बच्चे सुनेंगे और सुन के रिपीट करेंगे दो उन्होंने कलावां विकसित हो गई दे विल लिसन एंड दे विल स्पीक लिसन टू अ टीचर एज अ रोल मॉडल एंड दैन ट्राई टू इमिटेट द टीचर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इट आंटिल कैन यूज स्पॉन्टेनियसली वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियसली नैचुरली कॉमनली हैबिट फॉर्मेशन उदों तक प्रैक्टिस करेंगे जदों तक कि वो रूटीन विच इसनों वरतन नहीं लग जाते जिस तरह पंजाबी भाषा दे वरतों अपने आप ही कर लैंदे सानू सिखाना नहीं पैंदा इस तरह बच्चों की यह आदत विच शामिल हो जाए वर्ड वार सेकंड वाज द मेन कॉज इन द बर्थ ऑफ दिस मैथड इवें ऑलरेडी तुहानू दस चुकी हाँ कि वर्ड वार दे विच आर्मी मैन नू जरूरत दी लैंग्वेज सीखन दी इसलिए इस मैथड नू जल्दी नाल यूज़ किया गया और यह मैथड कामयाबी होया उन्हां दे समय दी लोड़ अनुसार इस इंट्रोडक्शन ऑडियो लिंगल मैथड की फीचर्स की है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस दे विच की कुछ है लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू डायलॉग्स डायलॉग टीचर बोल सकते हैं सेंटेंस बोल सकते हैं रोल प्लेस हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स एक्टिविटीज़ एंड डॉट्स लगे इट मीनस मैनी मोर इज कंटिन्यूस रीडिंग अलाउड रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसिस करेक्ट प्रोनंसिएशन आर द मेन एक्टिविटीज़ इन दिस मैथड ऑडियो लिंगल मैथड के मेन एक्टिविटीज़ केड़ी हैं उच्ची बोलना सेंटेंसिस नू बार बार दोहराना ते करेक्ट प्रोनंसिएशन करनी कई थावां ते प्रोनंसिएशन नू जोर नहीं दिंदे सी करेक्ट वैसे करेक्ट वोकैब ते जोर दिता जांदा सी करेक्ट प्रोनंसिएशन ते जोर दिता जा रहा स्टूडेंट्स लर्न बाई इमीटेटिंग टीचर ये भी मैं तुहानू पहले दस्सिया कि जिहड़े स्टूडेंट्स ने वह टीचर नू इमीटेट करदे आ टीचर एक्ट एज अ रोल मॉडल He presents role model speaking, students listen and then speak in the way their teacher speaks. No grammatical instructions are given but taught inductively. Very important point, taught inductively. ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शन दित्तियां नहीं जांदियां जिवें जी टी एम दे विच सीगा कि डिडक्टिवली पढ़ाया जाता सी ग्रामर पहला रूल्स दसते जाते फिर एग्जाम्पल्स की वरतों की जाती सी इहदे विच पहला एग्जाम्पल्स लईयां जांदियां ने पहला एक्शनस किए जाते हैं पहला सेंटेंसिस वगैरह बोले जाते हैं फिर बच्चों दसया जाता कि इतने अपलाई होंगे इसनों इंडक्टिवली कहते हैं तो इस ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शन जिहड़ियां ने वो इंडक्टिवली टीच कीती जांदियां ने ऑन ए टारगेट लैंग्वेज इज यूज इन क्लासरूम सब तो इंपोर्टेंट पॉइंट है भी पहला तुसी देखिए कि उहदे विच इस तरह नहीं सी टारगेट लैंग्वेज कलियां टारगेट लैंग्वेज बोलना बल्कि नेटिव लैंग्वेज सी मदर टंग सी पर इहदे विच केड़ी बोली जांदी है टारगेट लैंग्वेज मतलब इंग्लिश ओनली इंग्लिश इज यूज क्लासरूम इन कॉन्वर्सेशन इन डीलिंग्स इन एनीथिंग यू वॉन्ट टू से You can express your feelings also in English. You have to do the subject matter in English and also day-to-day classroom conversation is also in target language in English. It is important in this method. Use of language lab
रेडियो टीवी टेप रिकॉर्डर हेल्पफुल ये सारिया ऑडियो विजुअल एड्स की वरतों करना क्योंकि अगर टीचर नो भी रोल मॉडल के तौर पर प्रोनंसीएशन नहीं आती कुछ बोलना नहीं आता कोई जो नेटिव स्पीकर्स बच्चों सिखाना चाहता है बोलना बुलाना चाहता है तो वह लैंग्वेज लैब की मदद लेगा उत्थे कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह चला के वीडियो चला के उत्थे दिखा सकते कि नेटिव स्पीकर किवें बोलते हैं और बच्चे भी उसनों फॉलो करने की कोशिश करते हैं अर्थात नेटिव स्पीकिंग की तरह बोलने की कोशिश की जाती है उहदे विच ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड के आपां नूं कोई बहुतियां ऑडियो विजुअल एड्स की लोड़ नहीं सी उत्थे मदर टंग यूज़ की जाती से ये डिफरेंस मेन आ जाती है अगर तुहानूं डिफरेंस लिखना पवे तो यह चीज़ ध्यान च रखनी है लाइक डायरैक्ट मैथड लैंगुएज डॉट डायरैक्टली सीधे तौर पर इंग्लिश का बा क्योंकि लिंग्विस्ट्स दे मानते हैं कि अगर तुसी यूज़ ही इंग्लिश लैंग्वेज करोगे तो बच्चे हौली हौली आदि हो जाएंगे उही उही गल्लां करांगे जे आपां जिस तरह पंजाबी दे आदि होए हुए ने उवें उह इंग्लिश दे आदि हो जाएंगे इस तरह बच्चों फ्लुएंसी आएगी। हाँ जी अगे चलिए बेटा फीचर्स ही अगे कंटिन्यू है ईच स्किल इज टॉट सैपरेटली कड़ियाँ स्किल्स ने बेटा यू नो देर आर फोर स्किल्स ईच स्किल इज टॉट सैपरेटली सारिया स्किल्स नूं अलग अलग तरीके नाल पढ़ाया जाता या सिखाया जाता कह लो फोर स्किल्स LSRW ये चार स्किल्स फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग चाहे सारे स्किल्स सिखाते हो पर मेन फोकस किते है लिसनिंग ते स्पीकिंग ते रीडिंग राइटिंग बाद चो हुंदी है ईयर ट्रेनिंग इज इंपोर्टेंट इन डिवेलपिंग स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी ईयर ट्रेनिंग इज आल्सो लिसनिंग स्किल रेपिटेशन एंड ड्रिल आर बेसिस ऑफ दिस मैथड How we can speak English in target language, when we will repeat sentences, we are drilling on these sentences, then we are become habitual to speak those sentences and slowly and steadily we follow the target language and we become proficient in that language, means in English. Dialogue is the main feature to provide opportunity to practice, mimic and memorize. जिस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिता हम देखिए डायलाग एक दूसरे नाल गलबात करना कन्वरसेशन का रूप ही है की करना उन्होंने प्रैक्टिस करनी मिमिक करना उन्होंने नकल करनी एंड मेमोराइज करना याद करना ताकि इंग्लिश डायलाग्स की मदद नाल काम किया जा सके पैटर्न ड्रिल सेम पैटर्न स्ट्रक्चर्स की ड्रिल करनी लैंग्वेज लैब्स यूज्ड एज टीचिंग एड ऑलरेडी डिस्कस्ड मदर टंग नॉट गिवन मच इंपोर्टेंस दिस पॉइंट हैज़ बीन ऑल्सो डिस्कस्ड एज टारगेट लैंग्वेज यूज्ड ऑन द क्लासरूम सो मदर टंग नूं ज़्यादा इंपोर्टेंस नहीं दी जाती प्रॉपर आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स डिफरेंशिएशन ऑफ साउंड्स साउंड्स ते जोर दिता जाता है जो असी सीखनी स्पीकिंग है लिसनिंग है और प्रोनंसीएशन ते जोर देना है तो साउंड्स बारे सानूं प्रॉपर किस तरह प्रोड्यूस होंदियां ने फोनेटिक स्किल जिहड़ियां ने फोनेटिक कह लो आपां उह सारा चंगी तरह इस विच दस्या जांदा है सिखाया जांदा है। नाउ वी कम टू द प्रिंसीपल्स of audio lingual method language is speech not writing first and foremost we can say that language is speech not writing this method is based on the principle that language is speech not writing in ancient times we focus on writing skills but in modern times we focus on speaking skills as language is to communicate to conversate not write Language is a set of habits. Habit formation is compulsory to use English in daily life. With observation and repetition method, language can be learned for functional use. What is functional use? Functional use is to use anything in the day-to-day activities, in daily life. This is functional use. When we are able to speak in English, demand something in English, and in society, we can converse in English, then It is called languages for functional use, applicable, not only theoretical use. Acquisition of structures and patterns in everyday dialogue, जो सानू रोज़ ज़रूरत पैंदी है उन्हें dialogues के structures के patterns दे याद हो जाना सानू. Regular practice or drill work is given until the responses become automatic. Functional use में मैं तानू already दस चुकी हूँ कि ताकि सारे response automatic हो जाने से इसी तरह यूज़ कर सके जिमें आम वाक आप कर दें मे कम इन मैम मे गो टू ड्रिंक वॉटर ओपन योर बुक्स एट पेज 25 ये कॉमन डायलॉग सू डायलॉग्स कह लो कॉमन चीज़ा सूँ याद हो जाए कॉमन फ्रेज लाइन सेंटेंसिस सूँ याद हो जाए
पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू डेवलप करेक्ट हैबिट्स। पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट मैं तुहानू इहदे बारे पहलां भी दस्सिया सी कि जे बच्चा कोई अच्छा रिस्पोंस दिंदा तां उसनूं पॉजिटिवली एप्रीशिएट कीता जांदा और एप्रीशिएशन दे नाल ओह ज़्यादा अगे वधदा है, उसनूं असीं पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट कहिंदे आ। पॉजिटिव बिहेवियर नूं अगे लैके जाण वास्ते हल्लाशेरी देना। पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट हेल्प द स्टूडेंट्स टू डिवेलप करैक्ट लैंग्वेज हैबिट्स। इफ वी वॉन्ट अ चाइल्ड टू लर्न इंग्लिश वैल, वी हैव टू appreciate his positive behaviors regarding language. Use of target language in the classroom. It has been already discussed that main principle of this method is the use of a target language in the classroom. What are the objectives? We have discussed principles of this method. Now we discuss objectives. Ki udesh hai? Har kam nu karan da koi udesh hunda na beta? Te is de ki objectives ne? Vaise to hun tak clear hi ho gaya hoga ki बोलना ते सुनना सिखाना, इंग्लिश मेन सुन के कॉम्प्रीहेंड करना और बोल के अपनी गल नूं प्रकट करना। टू डिवेलप ओरल स्किल्स टू इनेबल द स्टूडेंट्स कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना सिखाना। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन सुन के कोई गल समझना, व्हाट इज लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, सुन के समझना। टू नो अबाउट द स्टेटमेंट्स फैक्ट्स गिवन इन स्पोकन पैराग्राफ, स्पोकन सेंटेंस, किसी ने की बोलिया तो समझ चुके हो कि नहीं, ये लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन है। एंड एक्यूरेट प्रोनंसिएशन, अगर असी एक्यूरेट प्रोनंसिएशन नो सुनांगे पहला फिर इमिटेट करांगे तो असी खुद भी उन्ना ही सही बोलांगे। नॉलेज ऑफ वोकैब टू लर्न ग्रामर पैटर्न्स, वोकैबुलरी की जानकारी होना। टू डिवेलप द एबिलिटी टू रिस्पोंड क्विकली एंड एक्यूरेटली, फ्लुएंसी आ जाना कि सही बोल सकीए जल्दी नाल। असी अल्टीमेट गोल, फाइनल गोल की है, जनरल गोल्स आ गए, फाइनल गोल। टू डिवेलप द सेम टाइप ऑफ एबिलिटीज दैट नेटिव स्पीकर्स हैव, ओह विशेषता साढ़े विच भी आ जाना जेड़ी नेटिव स्पीकर्स दे विच है, जेड़े इंग्लिश बोलन वाले लोग ने उन्ना वालिया विशेषतावां साढ़े विच आ जाना। वी मे बी एबल टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स, वी गिव आर इंग्लिश एज पंजाबी, बट नो वी हैव टू स्पीक इट लाइक नेटिव स्पीकर्स। सो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिवेलप ओरल स्किल्स एंड टू मेक द स्टूडेंट्स इन एबल टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स। बट टेक्निक्स आर यूज टू टीच विद दिस मैथड, इस मैथड नो वरतों में लियान वेले कि ढंगी तकनीक की वरतों की जाती है। रेपीटेशन ड्रिल, फ्रेजेस होए, सेंटेंसेस होए, स्ट्रक्चर्स होइयां, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, इहदे विच वी बेटा एक स्ट्रक्चर एक लाइन दे दित्ती कि मान लो एक सेंटेंस देता आई प्ले, तो सब्स्टिट्यूट करना ही प्लेज, वी प्ले, दे प्ले, या प्ले नू चेंज करना आई रीड, आई सिंग, इस तरह। क्वेश्चन आंसर ड्रिल, टीचर क्वेश्चन करे तुसीं आंसर दिओ, टीचर तुहानू कोई आंसर दिंदा तो यू आर गिविंग आस्किंग क्वेश्चनस इन इंग्लिश। एक्सपेंशन ड्रिल, एक्सपेंशन ड्रिल की होंगे कि कोई बाक टीचर ने अधूरा छाड़ता तो तुसी पूरा कर सको। आई गो टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया, तुसी उसनों पूरा कहने, बॉट अ स्लेट, बॉट अ पेपर, पेन, बैग, एनीथिंग एल्स। क्लॉज कॉम्बीनेशन ड्रिल, क्लॉज कॉम्बीनेशन की होंगे बेटा दो सिंपल वाकों को जोड़ के एक बना देना। यूज ऑफ मिनिमल पेयर्स, मिनिमल पेयर्स जिन्हों की साउंड दे विच बहुत थोड़ा अंतर हो जाए, वन लैटर का होवे, वन दा होवे ते टू दा भी हो सकता है, मतलब बोलन दे विच इक्को जे मिनिमल पेयर किसी तरीके दे बना देने, फिर उन्हां दा डिफरेंस दसना। टेक्निक्स दे विच अगे चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन्स, माइमिंग, बबल इलस्ट्रेशन एटसेट्रा, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी नूं शो करना, माइम करना, नकल करना, वर्बल बोल के कोई एग्जाम्पल वगैरह देना। एटमोसफियर फॉर इंडिपेंडेंट स्पीकिंग इज क्रिएटड, अजिहा वातावरण क्रिएट किया जाए जिस दे विच तुसी स्टूडेंट्स अर्थात स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो इंडिपेंडेंटली बोल सकन इंग्लिश, उन्होंने मजाक ना उड़ाया जाए, उन्होंने बल्कि एप्रीशिएट किया जाए, उस जहाँ माहौल प्रोवाइड किया जाए कि बोलन ही इंग्लिश। लैंगुएज लैब इज यूज फॉर प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, प्रोनंसिएशन ऑफ नेटिव स्पीकर यूज एज मॉडल, पहला भी गल हो गई है। फर्स्ट टॉट टू होल क्लास, दैन इन ग्रुप्स,
पॉइंट इंडिविजुअल ध्यान दो बेटा कितों हद तक यह फॉलोअप सर्विस दिता तो कि अगे जाने कहें इस मैथड के सब तो पहला सारी क्लास में मान लो यही काम टीच करता ठीक है। फिर उसको देखने वास्ते कि बच्चों को पता लग्या फिर ग्रुप्स के डिस्कस किया उस तो बाद अगर कोई इंडिविजुअल उसको प्रॉपर लर्न नहीं कर पा रहा ज पिछे तो इंडिविजुअल की भी फॉलोअप सर्विस करनी उस नाल भी गलबात करनी ता कि हर एक स्टूडेंट इंग्लिश बोलने के योग हो सके सुनने के योग हो सके। ओरली लर्न मटीरियल बिकम्स द रीडिंग मटीरियल आफ्टर मास्टरिंग बेसिक स्किल अ स्टूडेंट इज आस्क टू राइट कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरल लैसन। ध्यान न सुनो बेटा ये पॉइंट सब तो पहला बोलिया जाता है तो उही मटीरियल स्टूडेंट्स इन नैक्सट डे कह लो या नैक्सट क्लास में ईवन रीडिंग मटीरियल बन जाएगा। हुण रीडिंग मटीरियल तो बच्चे की मास्टरी होगी तो उही मटीरियल राइटिंग यूज किया जा सकता है टू राइट एनी कंपोजिशन पैराग्राफ एसे प्रेसी समराइज जिस तरह आप लोंग आंसर क्वेश्चन करते हैं लोंग क्वेश्चन आंसर करते हैं इस तरह पहला सब तो पहला की होया स्पीकिंग हुई टीचर वालों वो बच्चे ने सुन के की किया स्पीक किया फिर उसनों रीड किया फिर उसनों राइट किया। तो मैं तुम्हें पहला भी दसिया कि सब तो पहला स्पीकिंग दे लिसनिंग दे जोर है बाद सहजे सहजे रीडिंग एंड राइटिंग तो मतलब ज़्यादा फोकस लिसनिंग स्पीकिंग दे। हुण इस मैथड की एडवांटेजस की है कि फायदे है क्यों असं यूज़ करिए इस मैथड में बेनीफिट्स है नैचुरली बहुत बेनीफिट्स ने सब तो पहला तो यही है एक तो नैचुरल वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज है फॉलोज एल एस आर डबल्यू तुम देखा होगा बेटा ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड के नैचुरल नहीं सी लिसनिंग स्पीकिंग पहला नहीं सी ये लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग उमें ही है लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स फर्स्टली दैन रीडिंग राइटिंग आफ्टरवर्ड्स जिस ऑडियो विजुअल एड्स ऑडियो विजुअल एड्स ही है नहीं सी तो इफेक्ट होंगे ही होंगे ज़्यादा आप जो ऑडियो विजुअल एड्स की वरतों करते हैं फंक्शनल डेली लाइफ के भी यूजेबल एंड लार्जर ग्रुप्स के भी यूज़ की जाता पढ़िया ना पहला होल क्लास फिर ग्रुप्स फिर इंडिविजुअल करैक्ट प्रोनंसीएशन क्योंकि लिसनिंग स्पीकिंग स्किल के आ गया करैक्ट प्रोनंसीएशन इंपोर्टेंट रोल ऑफ अ टीचर टीचर सेंटर्ड अप्रोच ही है बेटा भी कि टीचर अपनी सारी एक्टिविटीज़ प्लान करेगा टीचर वो मटीरियल देगा बच्चे उसको फॉलो करेंगे एम्फेसाइजिंग सेंटेंस प्रोडक्शन बच्चे अपने सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकें जिम्मे सेंटेंस एक्सपेंशन से सब्सटीट्यूशन से इस तरह। हुण हर एक चीज़ के दो पक्ष ने तुम पहले ही दसिए कि एवरी टेक्नीक एवरी अप्रोच एंड एवरी मैथड इज नॉट कंप्लीट इन इट सेल्फ इट नीड्स सप्लीमेंट्री मैथड्स एंड टेक्नीक्स so this method audio lingual method also has many disadvantages so it should be used properly and carefully let's see disadvantages of this method no sufficient attention to language competence bolni ta sanu aa gayi par language di competence sade kol nahi aayi yogta nahi aayi sade kol galtiyan vi ho sakdiyan ne sanu proper grammatical structures da hi nahi pata only language form no meaning meaning bhi clear nahi hunda ki par bas sirf boli english hai kai var aap galat boli chaliye no equal importance to four skills haan ji beta shabash dasso jaldi naal tonu pata hai kehde skills te zor hai haan ji main hi das dinni hai fir listening and speaking reading writing da baat chuhi hai na bacche teacher dominated method आप एडवांटेजेस के कहता टीचर का रोल बड़ा इंपोर्टेंट है डिसएडवांटेज के कहता एक टीचर डोमिनेटेड अप्रोच है मैं विद्यार्थी का रोल जिहड़ा नैगेटिव तो नहीं कह सकते बहुत घट है पैसिव है मैकेनिकल प्रैक्टिस 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 ड्रिलिंग मेमोराइजेशन उहदे नाल इफेक्टिवनैस खत्म हो जाती है सारा दिन उही 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 पाक बोली चाहिए इट फील्स बोर लर्नर इन पैसिव रोल ऑलरेडी आ गया कि जो टीचर एक्टिव रोल के ज़्यादा लर्नर पैसिव हो जाता है लर्नर का रोल पैसिव है वीक बेसिस ऑफ थ्यूरी थ्यूरी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं हैगी क्योंकि लिसनिंग स्पीकिंग ते जोर है कि मटीरियल स्टडी मटीरियल कितों लैना किमें लैना ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं इगनोरस द रोल ऑफ कंटैक्सट एंड नॉलेज के रोल में इस कोई अहमियत नहीं दी गई रिक्वायर्ड एक्सपर्ट टीचर्स एक्सपर्ट टीचर्स की लड़ है क्योंकि टीचर्स को खुद ही फ्लुएंसी की दिक्कत है प्रोनंसीएशन की दिक्कत है साउंड की आर्टिकुलेशन बारे नहीं पता फोनैटिक्स की दिक्कत है क्योंकि पुराने ट्रेडिशनल मैथड्स के नाल
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟੀਚਰ ਇਨ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੰਭਵ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਸ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਬੋਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਆਡੀਓ ਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ। ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਫਰੋਮ ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੇਮ ਇਨ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੋਨ ਐਜ ਆਮੀ ਮੈਥਡ। ਬਰੁਕਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਕੋਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਨੈਲਸਨ ਬਰੁਕਸ, ਚਾਰਲਸ ਫਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਡਿਪ ਮੈਥਡ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਲਿਓਨਾਰਡ ਬਲੂਮਫੀਲਡ ਨੇ ਓਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਫੀਚਰਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਓਨਲੀ ਸਪੀਚ, ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਲਿੰਗ, ਮਾਈਮਿੰਗ, ਡਾਇਲੋਗ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਐਡਵਾਂਸ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਲਰਨਰ ਪੈਸਿਵ ਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਡੀਓ ਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝੋਗੇ ਔਰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।